बोले, लॉकडाउन की अफवाहों को छोड़ अनलॉक के दूसरे चरण की तैयारी करे राज्य। नमस्कार, आप इस समय देख रहे मगध संवाद, मैं हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के साथ साफ किया है कि देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और सभी राज्य अनलॉक दो की तैयारी करें। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज करें, सभी को टेस्टिंग की मौजूदा क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा और उसे बढ़ाना होगा। साथ ही जो लोग इस जंग को जीत कर आए हैं उनको सामने लाकर लोगों का डर खत्म करना होगा। कोरोना काल में मुख्यमंत्रियों के साथ अपने छठे संवाद में प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि अब तक भारत इस लड़ाई में काफी हद तक सफल रहा है और दिशा निर्देशों के पालन व अनुशासन से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मंगलवार और बुधवार को दो दिन देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। बुधवार को उन्होंने 15 राज्यों के साथ संवाद किया, इसके पहले मंगलवार को 21 राज्यों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अनुशासन के साथ कोरोना के तेजी से प्रसार को रोकने में सफलता हासिल की है। अब आर्थिक गतिविधियों को आगे ले जाने का काम शुरू हुआ है और सारे एहतियात बरतते हुए इस काम को आगे बढ़ाना है। अब अनलॉक 2 की तैयारी करनी है। बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि रोगियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के साथ बुनियादी ढांचे का विस्तार सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रत्येक रोगी को उचित उपचार मुहैया होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 महीने पहले पीपीई किट और N95 मास्क को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंचाए जा चुके हैं। सरकार के पास किट का जरूरी भंडार है। पीएम केयर फंड के तहत भारत में बने वेंटिलेटर की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।